हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिंटेक्स के रूल्स पढ़े थे जो कि हमारे नाउन से रिलेटेड थे, और आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे जो रूल्स होंगे वो प्रोनाउन से रिलेटेड होंगे, कि प्रोनाउन से रिलेटेड कौन कौन सी एरर होती है, गलतियाँ हो जाती हैं जिनको हमें करेक्ट करना होता है। सो लेट्स सी व्हाट आर द रूल्स रिलेटेड टू प्रोनाउन। सो आवर फर्स्ट रूल रिलेटेड टू प्रोनाउन इज दैट एनी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस और ऑब्जेक्ट अनलेस इट इज प्रेसीडेड बाई प्रोनाउन और नाउन कंसर्न। वॉट डज इट मीन? इट मीन्स कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं या किसी भी सब्जेक्ट के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं वो, जब तक कि उनसे रिलेटेड कोई प्रोनाउन या नाउन उनके पहले न आया हो। फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ विल सी टू इट दैट यू गेट योर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये सेंटेंस माई सेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जो कि ये गलत है क्योंकि इसके पहले इससे कंसर्न सब्जेक्ट आना जरूरी है, अदरवाइज ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग होगा। तो माई सेल्फ का जो सब्जेक्ट होता है, माई सेल्फ से जो कंसर्न प्रोनाउन होता है वो आपका आई होता है, तो सबसे पहले हमको माई सेल्फ के पहले आई लगाना होगा जिससे ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी आई myself will see to it that you get your share of property. Second example देखते हैं। Raj will do it for myself and my sister. अब यहाँ पे जो reflexive pronoun आया है वो as an object use किया है, जो कि wrong है। यहाँ पे myself की जगह इसका objective case होना चाहिए, यहाँ पे me होगा। Raj will do it for me एंड माई सिस्टर, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना यूज होके यहाँ पे मी का यूज होना चाहिए, तो हमारा सेंटेंस ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव टू द सेकेंड रूल। द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट यूज रिफ्लेक्सिवली, मीन्स देर आर सम वर्ब्स दैट कैन नॉट बी यूज एज रिफ्लेक्सिबल। दीज वर्ब्स आर कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेथ, मूव, रेस्ट, हाइड एटसेट्रा। लेट्स सी द एग्जाम्पल। ही हैज क्वालिफाइड हिमसेल्फ फॉर द पोस्ट। हियर द वर्ब क्वालिफाइड इज यूज, सो हिमसेल्फ, द यूज ऑफ हिमसेल्फ इज रॉन्ग बिकॉज क्वालिफाइड डजेंट नीड अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो दिस इज अवर रॉन्ग सेंटेंस एंड द करेक्ट सेंटेंस विल बी ही हैज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल। My father advises me to keep myself away from the bad boys. Here again, this sentence is also incorrect because here the verb keep is used. And after keep, we cannot use reflexive pronoun. And here I have used myself. It is a reflexive pronoun. So this sentence is wrong. To correct this sentence, I have to remove this reflexive pronoun. My father advises me to keep away from bad boys. So this answer will be correct. Let's come to the third rule. What does it say? Normally, the order of singular pronouns should be second person, then third person and first person. The order should be second, third and first. Singular pronouns means I, he, she, it. These are singular pronouns, and whenever these singular pronouns are used, so the order must be second, third and first. Let's see the example. I and you will attend her wedding tomorrow. In this sentence, I is first person pronoun and you is second person pronoun. So to correct this sentence, we have to put you first and after that we will have to put I. So the order will be second and first because third person is not used in this sentence. So we have to use only second person and first person. अगर इसमें कोई third person होता तो हम पहले second person रखते, फिर third person रखते और फिर उसके बाद first person रखते, क्योंकि हमारे sentence में हमारे पास third person नहीं है तो हम केवल second और third person का ही order देखेंगे। So the sentence will be you and I will attend her wedding tomorrow.
Now see the next example. Here again, you and I will be punished. You is second person and I is first person. But this sentence is not correct. Why? Because the rule says, but in plural, the order should be first, second, third. And this order is also followed while referring to unpleasant acts. Means, agar ye aapka singular person pronoun the, लेकिन अगर यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउंस हो जाते तो भी हमारा ऑर्डर जो होता वो पहले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रखते, फिर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन रखते और फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन हम रखते. और यही ऑर्डर आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड का ही ऑर्डर तब भी होता है जब आपका इसमें कोई अनप्लीजेंट एक्ट होता है या कोई ऐसी कोई एडमिट की जाती है, कोई आपकी गलती मिस्टेक्स को एडमिट किया जाता है, तो भी हमारा ऑर्डर जो होता है वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो जाता है. तब हम सेकेंड थर्ड फर्स्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं. इसलिए ये सेंटेंस हमारा क्या है, यू एंड आई विल बी पनिश्ड. यहाँ पे अनप्लीजेंट होगा क्योंकि हमें पनिशमेंट मिलेगी. सो द ऑर्डर मस्ट बी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. सो वी विल हैव टू पुट आई फर्स्ट एंड देन यू. लेट्स मूव टू द फोर्थ रूल. अर्लियर वी हैव रेड दैट देयर आर सम वर्ब्स दैट कैन नॉट बी यूज रिफ्लेक्सिवली, बट देयर आर सम वर्ब्स ऑल्सो दे आर यूज ओनली रिफ्लेक्सिवली, लाइक अम्यूज, रिकनसाइल, adapt, acquit, avail, adjust, pride, resign, avenge, revenge, enjoy, etc. These are some verbs that are used only reflexively. For example, they enjoyed during summer vacations. Here the verb enjoyed is used, so it will take a reflexive pronoun. So we will have to use themselves. Why themselves? Because our subject is they, और हमारा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है. अगर यहाँ पे वी होता तो हमारा यहाँ पे ourselves हो जाता, यू होता तो yourselves या yourself हो जाता. They enjoyed during summer vacations. So this is wrong, but if we add themselves, then this answer will be correct. How? They enjoyed themselves during summer vacations. Next example. You should avail of this opportunity. Here again, the verb avail is used. So we have to use also a reflexive pronoun and it must be related to our subject and our subject is you. So the correct answer will be, you should avail yourself of this opportunity. लेट्स सी द फिफ्थ रूल. दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इस रूल्स में बहुत मिस्टेक कर देते हैं. वॉट डज इट से, इफ देयर इज अ कंपेरिजन, अगर किसी में आपका कंपेरिजन हो रहा हो, तुलना हो रही हो बिटवीन टू सब्जेक्ट्स, अगर किसी दो सब्जेक्ट में आपका कंपेरिजन हो रहा हो, देन वी यूज सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन. तो हमें सब्जेक्टिव केस ही प्रोनाउन यूज करना चाहिए आफ्टर एज और देन द कंपेरिजन वर्ड. एंड इफ there is a comparison between two objects, then we use objective case pronoun. और अगर कहीं दो objects में आपका comparison हो रहा हो तो हमें objective case pronoun use करना चाहिए. Let's see the example. He runs as fast as me. ये हमारा sentence wrong है. क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे दो subjects के बीच में तुलना हो रही है, दो subjects में comparison हो रहा है he और I के बीच में. वह उतना ही तेज दौड़ सकता है जितना कि मैं. यहाँ पे उसके और मेरे बीच में कंपैरिजन हो रही है तो यहाँ पे ही सब्जेक्टिव केस में है और यहाँ पे मैंने मी यूज किया है जो कि ऑब्जेक्टिव केस में है. तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. यहाँ सब्जेक्टिव केस है, अगर सब्जेक्टिव केस में तो कंपैरिजन हो रहा है तो हमारा दोनों ही आपका कंपैरिजन जो वर्ड है वो आपका सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए. तो यहाँ पे मी की जगह हमें वी शुड यूज आई टू करेक्ट दिस सेंटेंस. सो ही रन्स एज फास्ट एज मी इज रॉन्ग, बट ही रन्स as fast as I is correct. Next example, I know you as much as he. अब यहां पे देखिए, यहां पे सब्जेक्ट के बीच में हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, मेरे और उसके बीच में कंपैरिजन नहीं हो रही है, बल्कि क्या कह रहा है, I know you, मैं तुम्हें जानता हूं जितना कि उसे. तो तुम्हारे और उसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है. यहां पे दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो हमें यहां पे सब्जेक्टिव केस नहीं यूज करना होगा, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव केस यूज करना होगा. और ही का ऑब्जेक्टिव केस हमारा हिम होता है. तो आई नो यू
एज मच एज हिम. तो यू और हिम दोनों ही हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा. थर्ड एग्जाम्पल, ही लव्स राम मोर देन आई. हियर अगेन, ही लव्स राम, वो राम को प्यार करता है मोर देन आई, मुझसे ज्यादा. यहां पे राम और मेरे बीच में कंपैरिजन हो रही है, यहां पे दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो रही है. सब्जेक्ट तो हमारा ही है, ही के बीच में और मेरे बीच में कंपैरिजन नहीं हो रही है, बल्कि राम के में और मेरे में दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रही है, इसलिए हमारा यहां पे आई की जगह मी यूज होगा, मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो हमारा सेंटेंस ये करेक्ट हो जाएगा. लेट्स सी द नेक्स्ट रूल. इफ इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट एंड द फॉर्म ऑफ बी इज यूज्ड, देन प्रोनाउंस विल बी नॉमिनेटिव केस. क्या कह रहा है, अगर इट हमारा एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ हो किसी एग्जाम्पल में, जैसे यहां पे इट इज मी हु एम टू ब्लेम, यहां पे हमारा इट सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो द फॉर्म्स ऑफ बी और बी की फॉर्म्स इज एम आर वॉज वर, ये सब जो हमारी होती है वो बी की फॉर्म्स होती हैं और वो भी हमारी यूज हुई है. तो प्रोनाउन जो होना चाहिए था वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में ना होकर हमारा नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए था. सो वॉट इज रॉन्ग इन दिस सेंटेंस, इट इज मी हु एम टू ब्लेम. मी इज रॉन्ग बिकॉज मी इज ऑब्जेक्टिव केस एंड हेयर सब्जेक्टिव केस इज नीडेड. सो टू करेक्ट दिस सेंटेंस वी हैव टू यूज आई इंस्टेड ऑफ मी. सो वॉट विल द करेक्ट आंसर, इट इज आई हु एम टू ब्लेम. तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा. लेट सी द नेक्स्ट. एपेस्ट्रोफी इज नॉट यूज इन पजेसिव प्रोनाउन. ये भी बहुत सी मिस्टेक होती है, बहुत से स्टूडेंट्स क्या होते हैं वो पजेसिव केस प्रोनाउन में एपेस्ट्रोफी लगा देते हैं कि हमारा योर के बाद अगर एस लगाना है तो वह एपेस्ट्रोफी लगा देना है, बट ये रॉन्ग हो जाता है. हमारा पजेसिव केस प्रोनाउन में जब एस लगता है तो उसमें एपेस्ट्रोफी नहीं लगती है, तो अगर आप एपेस्ट्रोफी लगा देते हो तो वो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाता है. ये भी मिस्टेक आपको आती है. So these were the rules related to pronoun, and in the next video, part 3, we will see the rules related to verbs. Thank you.